हेलो जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको मैंने अपनी किचन के पास में ही अपनी क्रॉकरी रखने के लिए कलमीरा बनवा रखी है, तो मैं दिखाती हूँ कि वो मैंने किस तरीके से बनवा रखी है। आप उसमें क्रॉकरी रख लीजिए, या कोई शो पीस का सामान है, या फिर बच्चों की ट्रॉफीज वगैरह हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो मैं ये नीचे से ही स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये यहाँ पर एक ये कैबिनेट है, ये आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं। और ये यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई है, तो ये ऐसे लूज नहीं होता है, आराम से बंद हो जाता है। आज मैंने ये साफ़ की थी, तो अभी खाली थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये इसमें यहाँ पर भी एक मैग्नेट लगी हुई है, ये इस तरीके से हो जाती है। और ये इसका ये जो लगा हुआ है ना, ये हुक, ये वाला ये इससे चिपक जाता है जब हम इसको बंद करते हैं, तो ऐसे लूज नहीं रहता। तो पहले मैं अंदर से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना स्पेसियस है, ये आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर एक स्पॉटलाइट लगवाई हुई है, ठीक है। चलिए मैं इसका ये शीशा बंद कर देती हूँ, तो ये आराम से बंद हो जाता है, ऐसे खुलता नहीं है। ये देखिए, ये हो गया है बंद। ये जो शीशा था ये बिल्कुल प्लेन था, तो वो जो भैया आए थे लगाने के लिए, तो वो अपनी बुकलेट लेके आते हैं, तो वो आप उसमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा डिज़ाइन बनवाना है। तो फिर हम लोगों को ये पसंद आया, ये वाला डिज़ाइन जो ये बना हुआ है, तो ये फिर हमने बनवा लिया। ये देखिए, ये इस तरीके से लगती है। अभी मैं और आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये देखिए, ऊपर तक देखिए, ये हमने एक वॉल है पूरी कवर की हुई है वुडन के काम से, ये ऊपर तक की फिर हमने ले ली थी। और ये मेरी किचन भी है इधर, तो किचन के बिल्कुल पास में पड़ती है। ये एक स्पॉटलाइट यहाँ पर लगवाई हुई है, ये देख रहे हैं ना आप, तो ये किचन मेरी इस तरीके से है। अब इसकी जो साइड में दूसरा एरिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी बिल्कुल पास में ही है, तो नीचे सेम कैबिनेट है, इसमें आप कितना भी कुछ भी सामान रख सकते हैं। और सारे में मैंने माइका ही लगवाई हुई है, ये देखिए। और ये इसका गेट, तो ये मैंने बंद कर दी है। ये यहाँ पर भी जो लगी हुई है, ये मोल्डिंग लगी हुई है, ये अब काफ़ी पुरानी हो गई है, 7 साल हो गए हैं, तो इसका पेंट हुआ हुआ वैसे इसके ऊपर, तो वो थोड़ा गंदा हो गया, वो चीज़ आप नहीं देखिएगा। ये वैसे बहुत यूजफुल है मेरे लिए, तो दिखाती हूँ मैं पीछे तक इसको। ये देखिए, ये नीचे तक है, फिर ऊपर लेते हैं, तो ये मेरा वॉश बेसन एरिया आ जाता है इधर। तो यहाँ पर भी मैंने ये लगाई हुई है माइका वगैरह, ये इधर ये वॉश बेसन एरिया है। और ये वाली वॉल ये भी इसी से कवर हुई हुई है, ये देखिए। तो ये वाली पूरी वॉल हमारी इस तरीके से दिखती है। मैं पूरा थोड़ा आपको दिखाती हूँ, जितना दिखा सकती हूँ कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप इस तरीके से बनवा सकते हैं, कोई अगर नया मकान वगैरह बनवा रहा है तो अच्छा ही आइडिया हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये इस तरीके से दिखती है। जो भी कोई आता है घर पे तो उसे बहुत सुंदर लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं दिखाऊं कि ये किस तरीके से लगती है। एक मिनट, ये देखिए, और ये मैं दिखाती हूँ थोड़ा आराम से आपको, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। ये मेरा स्लिप का सेल्फ है, तो ये इसके बिल्कुल बराबर में ही बनी हुई है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये आ गए हम इधर, और आराम से अपना कुछ भी सामान ले सकते हैं।
और फिर मैं रसोई में ही आ गई हूँ। तो इधर फिर ये जो वुडन है इस पर मैंने ये टाइल्स लगवा ली थी यहाँ तक, तो एक पेस्ट आता है उससे वो उन्होंने चिपका दी थी, तो आराम से ये चिपक गई थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये बनवाई हुई है अलमीरा। ये मैं सेकंड साइड भी दिखाती हूँ, ये इस तरीके से है। यहाँ पर ये एसी का पाइप आ रहा है, तो ये भी जैसे वुडन थी इधर बैक साइड में ये वाली, तो यहाँ पर भी टाइल्स लगवा लिए हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरा सिंक पड़ता है, तो फिर इनके ऐसी ये लकड़ी है ना, तो फिर इसके मतलब कि गलने का भी कोई डर नहीं रहेगा। ये मेरा यहाँ पे सिंक का एरिया है, तो टाइल्स लगवा कर ये बिल्कुल अच्छी हो गई है। तो इसके साथ मैं आपको अपना किचन भी दिखा देती हूँ एक बार फिर से। ये देखिए, पहले नीचे से दिखा देती हूँ, ये इस टाइप से है। अभी थोड़ा ऊपर का सेल्फ का दिखाती हूँ, ये ऐसे। और ये जो सामान है ये इसमें से निकला है, तो अभी मैंने इसे धो के रख दिया है। जब ये सूख जाएगा तो मैं लगा कर फिर आपको दिखाऊंगी जो भी मेरे पास है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल आराम से साफ़ हो जाते हैं, आप या तो कॉलिन से भी साफ़ कर सकते हैं इनको, शीशों को, ये जो ग्लासेज हैं, और जैसे इसमें भी लगे हुए हैं ये ग्लासेज। तो ये ग्लासेज आराम से साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए अंदर से दिखा रही हूँ, ये मैंने एक दो और ये तीन तीन सेल्फ डलवाए हैं एक साइड, इस तरीके से है ये। ये देखिए, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, घर का इतना सामान होता है, बच्चों की ट्रॉफीज होती हैं, 100 पीस के सामान होते हैं, क्रोकरी हो गई, जो भी आपको मन करे। बहुत स्पेसियस भी है। और नीचे से भी दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए ये इस तरीके से है। इस साइड में दिखाती हूँ थोड़ा सा खोलकर, तो इधर भी मैंने ये तीन ही सेल्फ डलवाए हुए हैं। ये जो हुक आप देख रहे हो ना, ये उधर जो एसी का पाइप लगा था उसके आ गए थे, तो कोई नहीं, ऐसे सब चलता रहता घर में। ये देखिए ये इस तरीके से है, पूरे में माइका भी लगवाई हुई है। ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर ये आर्च बनी हुई थी वैसे, तो उन्होंने कुछ ऐसे कारपेंटर भैया ने तोड़ा भी नहीं है, बस इसी पे ही लकड़ी का ये डिज़ाइन बना दिया, तो ज़्यादा ऐसे टूट फूट भी नहीं हुई थी और सबको बहुत सुंदर लगता है, और मेरे लिए तो बहुत यूजफुल है ही, इतना सामान आ जाता है इसमें। तो मैं इसमें जो भी सामान रखती हूँ वो मैं एक बार रख कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या रख लेती हूँ जो भी मेरे पास है। ये थोड़ा सा दूर से भी दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। ये इस टाइप से है, बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा सामान लगा लिया है। ये देखो कितना स्पेस है, इतने बड़े बड़े दो डिब्बे आ गए, और साइड में भी जगह है, इनमें मैं राइस रखती हूँ। और इधर ये मेरे मिट्टी के बर्तन हैं, और इधर ये ग्लासेज अभी कुछ साफ होने के लिए रखे हुए हैं, और इधर भी ये कुछ ग्लासेज हैं, और एक ये पत्थर की है, ये दिखाती हूँ मैं आपको पास से, ये मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेती हूँ। अभी ऊपर का सेक्शन भी खाली है, तो ये देखिए इस तरीके से बहुत सामान आ जाता है। अभी भी बहुत सारी खाली पड़ी हुई है, बहुत सामान आ जाएगा, वो मैं बाद में लगाऊंगी। इसको मैं बंद कर देती हूँ, इसको भी बंद कर देती हूँ। चलिए अब इधर दिखाती हूँ। तो ये नीचे
ये मैंने एक दाल का डब्बा रख दिया है, अभी और मैं साफ़ करके रखूँगी, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। ये देखिए, खोल के दिखाती हूँ। इसका ये मैग्नेट वाला जो है ये ख़राब हो रहा है, तो मैं इसे सही कराऊँगी। ये 100 पीस है। ये देखिए, छोटे छोटे से रैबिट कितने सुंदर लग रहे हैं। और एक ये 100 पीस, और ये मेरी बेटी की ट्रॉफीज, और ये वाला सेक्शन भी खाली है। चलिए इसे भी मैं बंद कर देती हूँ, और बाकी का सामान मैं बाद में लगाऊंगी, साफ़ करना है अभी वो। तो अभी मैं पूरा दिखा देती हूँ। अगर इस तरीके के आइडिया हम देखते रहेंगे तो फिर हमारे माइंड में रहेगा, हम कभी कहीं कुछ काम कराएंगे तो इस तरीके से हम बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी कुछ इस तरीके से बनवाया है तो आप कमेंट्स में मुझे बताना। ये देखिए, तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका सामान है, ट्रॉफीज हो गई, 100 पीस हो गए, क्रॉकरी हो गई, या कुछ डब्बे वगैरह हो गए। दिखाती हूँ एक बार दूर से। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से दिखाने की, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ये जो पट्टियाँ आपको दिख रही है ना, ये भी माइका ही है और ये भी माइका ही है। तो इस तरीके से ये कटिंग कर करके डिज़ाइन बना हुआ है। ये इधर भी सब माइका का ही डिज़ाइन है, ये सब ऐसे वाइट वाली माइका की पट्टियाँ काट काट कर लगाई गई हैं। और इधर भी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।